मनीष सिसोदिया से बदसलूकी, पीएम मोदी पर भड़के आप नेता, लगा दिए बेहद गंभीर आरोप। जब से टीवी देखा, जब से न्यूज देखी, मैंने देखा कि जब बड़े बड़े अपराधी या अभियुक्त जिनके ऊपर कोई एलिगेशन हो, वो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं और मीडिया का इंटरेस्ट होता है, तो अक्सर पुलिस वैन से मीडिया से बात करते देखे गए हैं कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए और उनकी ये तस्वीरें इस तरीके से पब्लिक की जाएं कि दिखाएं कि देखिए अब हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया और ऐसे हम किसी को मिट्टी में मिलाते हैं। मगर आज जो दुर्व्यवहार मनीष सिसोदिया जी के विषय में देखने में आया, और मनीष जी कोई साधारण राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक आदमी नहीं है कि कोई साधारण मंत्री है, मनीष सिसोदिया जी की ऐसी सैकड़ों फोटोज वीडियोस आपको पब्लिक डोमेन में मिलेंगी कि एक बहुत ही वार्म गर्मजोशी से मिलने वाले, बहुत ही मॉडस्ट ग्राउंड टू अर्थ, छोटे छोटे बच्चों से स्कूलों के अंदर जो है कान दिख करके उनकी बातें सुनते हैं, बच्चों को गले लगा लेते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं बच्चों के बीच में जब जाते हैं, और एक आम राजनीतिक आदमी से बहुत अलग छवि मनीष सिसोदिया जी की है, चाहे वो अफसरों से उनका बर्ताव हो, चाहे उनका पब्लिक से बर्ताव हो, टीचर से बर्ताव हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बर्ताव हो, हम जो उनके कुलीग्स रहे, अपने एमएलए साथियों से बर्ताव हो, बहुत ही एक अलग तरीके के आदमी हैं और उनकी वार्मथ हमेशा मानी जाती है, सब लोग मानते हैं कि मनीष जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे से लोगों से बातचीत करते हैं। हमें अक्सर चिंता होती थी कि जेल में उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, मगर कोई सबूत नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि गलत बर्ताव हो रहा है तो लोग कहेंगे कि झूठ बोला जा रहा है। आज जो राउज एवेन्यू में देखने में मिला, मुझे लगता है कि उससे एक बात बड़ी साफ है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए और उनकी ये तस्वीरें इस तरीके से पब्लिक की जाएं कि दिखाएं कि देखिए अब हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया और ऐसे हम किसी को मिट्टी में मिलाते हैं। ये होंगे कहीं के नेता, ये होंगे कहीं पे डिप्टी सीएम, बट आज हमने इनको ये करके दिखा दिया।